सो अगर आप मोटरसाइकिल मॉडिफिकेशन के दीवाने हैं तो आप इमरान भाई यानी रॉकी कस्टम गैरेज को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करते होंगे। पिछले दो साल से जो उनके कंटिन्यू वीडियो आ रहे आप वो जरूर देखते होंगे और आप उनके बाइक मॉडिफिकेशन के 100% to 1% दीवाने होंगे। सो इमरान, मैंने यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा वापस से मॉडिफिकेशन किया है पल्सर को कैफे रेसर लुक में और जो कलर है कुछ ऐसा हो सकता है। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। आप कभी भी राइड करते हैं यानी अपने सिटी के बाहर आप राइड करने बाहर जाते हैं हाईवे साइड में या कभी आपको स्पीड में राइडिंग करना है उस वक्त पे आप हेलमेट पहन के ज़रूर राइड करें। और सिटी की बात करें जैसे कि आप जिम जाते हैं या मार्केट में जाते हैं उस टाइम पे ऑलमोस्ट घर के आसपास हेलमेट बहुत लोग नहीं पहनते, कभी कभी मुझसे भी छूट जाती है, बट उस टाइम हमारी राइडिंग बहुत स्लो होती है ट्रैफिक में। लेकिन अगर आप स्पीड राइडिंग करते हैं, स्पीड में जाना है तो हेलमेट कैरी करना बिल्कुल ना भूले। सो यहाँ पे बिना ज्यादा देरी किए देखिए यहाँ पे ये रही इमरान भाई की न्यू मॉडिफिकेशन बाइक पल्सर 180 मॉडिफाइड फुल कैफे रेसर ब्लैक। आज मैंने इसको देख के स्पेशल ब्लैक शर्ट पहन के आया कि मैं जब इसके साथ व्लॉगिंग करूँ इसके साथ वीडियो बनाऊँ तो आपको बहुत ही प्यारा लगे। और इमरान भाई जब से कैफे रेसर बाइक मॉडिफाइड की है मतलब खुद की पर्सनली बाइक मॉडिफाइड की है तो उसके बाद इमरान भाई की कैफे रेसर देखने के बाद लोग भाई ऐसे कैफे रेसर के दीवाने दिखे हमें कि भाई हमारी बाइक को मॉडिफाइड कर दो, हमारे यामा RX 100 को कैफेरेट बना दो, हमारे पल्सर के इंजन को लेके अब दूसरे बाइक का चेचिस लो, मैकविल लो, उसका टैंक लो, कैफे रेसर बना दो। और यहाँ तक कि भाई रॉयल एनफील्ड का जो कैफे रेसर है उसको भी मॉडिफाइड कर दिया है अपने तरीके से। सो बिना ज़्यादा देरी किए बुलाते हैं इमरान भाई को कि इस बाइक को बनाने में कितना खर्चा गया है और इस बाइक में इस बार क्या क्या यूनिक किया है जो आप देख के बहुत ही खुश हो जाओगे कि भाई ऐसा हम भी कुछ कर सकते हैं अपनी बाइक में। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कह दूंगा कि भाई डिस्क्रिप्शन में आपको इमरान भाई का इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, जस्ट लिंक पे जाकर उनको फॉलो कर सकते हैं, उनके बाकी डिटेल आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। तो इमरान भाई वेलकम बैक, बहुत टाइम के बाद मतलब मैं कब से सोच रहा था कि जल्दी ये बाइक मॉडिफाइड करें कि हम लोगों को दिखाए और फाइनली मानसून के बाद हमारे पास एक शानदार पल्सर कैफे रेसर बाइक यहाँ पे मॉडिफाइड आया है। सो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा सबसे पहले बात की इमरान भाई इतने प्यारे प्यारे बाइक बनाते हो मतलब शानदार जी जान लगा डालते हैं, खर्चा कितना जाता है मतलब इस बाइक का वही सवाल कि खर्चा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट मतलब एक ही सवाल पूछेंगे कि इस बाइक में टोटल खर्चा कितना गया। ओके तो इसको कम्प्लीटली बेसिकली आपने ऐसा मॉडल और दो देखा होगा, एक रेड कलर में बना हुआ है और एक सिल्वर कलर में, तो बेसिकली वैसा ही बनाया हुआ है, थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए जैसे कि ब्रेम्बो के ब्रेक लीवर्स डाले हैं थोड़ा फैंसी मतलब, और एग्जॉस्ट में थोड़ा सा चेंजेस किया है, ये लाउड नहीं है अभी सॉफ्ट डाला है क्योंकि RTO के हिसाब से हमें भी चलना पड़ता है, और कलर कॉम्बिनेशन हमने चेंज किया हुआ है। तो बेसिकली इसका 65 के आसपास ऐसा गया है, 65,000 के आसपास इसका प्राइस गया मतलब 65,000 आप पकड़ सकते हो, जहाँ पे आप मतलब एकदम बंगार गाड़ी मतलब ऑलमोस्ट उस कंडीशन में आती है जिसमें ऑलमोस्ट इमरान भाई यहाँ पे पूरा जो चेची से कस्टमाइज करते जो आप ये देख रहे हो एंगल, ये एंगल सीट का एंगल, यहाँ से ये इंजन का पार्ट ये हमेशा ओरिजिनल रखते हैं बिकॉज इंजन जो होल्डिंग होता है चेचिस के ऊपर वो परफेक्ट होना चाहिए, उसके सेंटर से कोई मतलब उससे कोई छेड़छाड़ नहीं। बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है मतलब सीटिंग का यहाँ पे ये ब्रैकेट का ये इसमें मॉडिफाइड करते हैं और गाड़ी का रंग रूप और लुक ही बदल डालते हैं। ये जादू सिर्फ इमरान भाई कर सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि सिंगल सिलेंडर में और कम से कम बजट में मॉडिफिकेशन एक ही है, रॉकी कस्टम गैरेज। सो इमरान भाई सबसे स्पेशल बात बताइए कि इस बाइक में आपने सबसे स्पेशल इस बार क्या इंस्टॉल किया मतलब क्या किया। तो इंस्टॉल हमने ब्रेम्बो के ब्रेक लीवर से इसमें इंस्टॉल किए हुए, तो थोड़ा ये इसमें लुक अच्छा देता है, ये ज्यादातर ऐसा डुकाटी में ऐसा बड़ी बड़ी बाइकों में ऐसा दिखता है। हमने ब्रेम्बो के ब्रेक लीवर डाले जिससे कि गाड़ी का लुक थोड़ा सा बहुत मतलब यूनिक हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ब्रेक लीवर्स डुकाटी में और काफ़ी इंपोर्टेड बाइक्स में आते हैं, वो हिसाब से हमने इसमें ब्रेक लीवर्स इंस्टॉल किए हुए, और आजकल आफ्टर मार्केट ऐसा बहुत चल रहा है तो हिसाब से हमने इंस्टॉल किया हुआ है। और उसके बाद में स्पीडोमीटर जो है डिजिटल वाला वो इंस्टॉल किया हुआ है हर बार की तरह, एंड हमने थोड़ा सा ग्राफिक्स इसमें मिनिमम रखा हुआ है, जैसे कस्टमर का डिमांड रहेगा वो हिसाब से हमने ग्राफिक्स रखा हुआ है। फ्रंट का सेक्शन का बताता हूँ कि क्या क्या इंस्टॉल किया हुआ है, तो फ्रंट फोक हमने FZ16 का यूज़ किया हुआ है,
जो कि फोक इसका पाइप भी झाड़ा है और कैफ्रे में काफ़ी अच्छा दिखता है कैफ्रेसर के अंदर। और हमने इंस्टॉल किया हुआ इसमें हेडलाइट LED DRL जो कि कान हमने थंडरबर्ड का यूज़ करके इसमें थोड़ा सा ऑल्टरेशन करके इसमें फिटिंग किया हुआ है। एंड हैंडमेड हमने मरगाड़ का ब्रैकेट हमेशा की तरह हैंडमेड यूज़ किया हुआ है इसमें। एंड ये आपको केबल दिख रही होगी एक्स्ट्रा, ये ABS की नहीं है, ये स्पीडोमीटर की सेंसर है जिससे यहाँ से रोटेशन होता है मैग्नेट से, तो यहाँ ऊपर स्पीड दिखाता है। इतना डिटेल तो आपको इमरान भाई ने बता दिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ पे बोलूँगा ध्यान देने के लिए कि इसमें आपको ग्राफिक्स आर्ट बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, मतलब कहीं भी ग्राफिक्स नहीं, सिर्फ बस यहाँ पे बाइक का नाम लिखा हुआ है और इमरान भाई का यहाँ पे लोगो लिखा गया है रॉकी कस्टम गैरेज और बाकी कहीं नहीं, क्योंकि भाई इस बाइक को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है और इसमें जो डिटेलिंग दिखाया गया है, मतलब डिटेलिंग जैसे देखेंगे आप सीट, आपको सीट लग रहा होगा कि भाई ये क्या सीट लगा दिया है, कलर मैच, मतलब अलग ये धब्बा भी धब्बा डॉट डॉट जैसा दिखाई दे रहा है। इंजन और सीट का आप कलर देखेंगे, इधर सस्पेंशन का ध्यान दीजिए, सस्पेंशन का कलर भी मैच कर दिया है। तो ये सब जो डिटेलिंग है, इस सब पे जो मेहनत लगता है, मतलब दिमाग पर जो मेहनत लगता है कि भाई हम अपने हर कस्टमर को क्या नया दे, क्या मतलब नया दे जो बाकी बाइक से उसको अलग करे, तो इसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत ही क्लास लग रहा है। और पूछते ये सीट का खास बात, ये सीट बहुत ही स्पेशल इस बाइक में, तो एक्चुअली आपको ये धब्बे धब्बे वाली बोले ना, तो ये ओरिजिनल लेदर है, ओरिजिनल गोट लेदर है, तो इसको हमने ऐसा लगा हुआ है, इसके लिए ऐसा दाग धब्बे, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत सही है, बहुत सही इसके है। लिए आपको ऐसा धब्बा धब्बा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये क्वालिटी बोले तो एक नंबर क्वालिटी है। आपने पल्सर देखा होगा, बट कौन सी पल्सर है? पल्सर 150 है, 180 है, 200 है, 220 है, कौन सी है? तो ये एक्चुअली पल्सर 180 है, डिजिटल मॉडल आता था वो वाली है। तो इसमें 220 जैसे ही इंजन दिखता है, सिर्फ इसमें ऑयल कूलेंट नहीं आता है, इसमें ऑयल कूलेंट कट कर दिया रहता है कंपनी ने। तो ये है पल्सर 180। इसके बाद में हमने यहाँ पे इसमें इंस्टॉल किया हुआ है इंजन बेली, तो इंजन बेली काफ़ी पल्सर में न्यू मॉडल में आती है, तो वो हिसाब से हमने इसमें भी लगाया जो कि कैफ्रेसर में परफेक्ट एकदम ऐसा लुक देता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका सस्पेंशन और पीछे का थोड़ा सा ब्रैकेट का, तो यहाँ पे हमने फ्रेम वर्क तो यहाँ पे किया हुआ ही है। इसके बाद में इसमें R15 वर्जन 1.2 का इसमें फुटरेस्ट लगा हुआ है जो कैफ्रेसर में परफेक्ट सूट होता है वो हिसाब से। एंड FZ का रियर सस्पेंशन यूज़ किया हुआ है, इसमें हमने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, लेदर के हिसाब से वैसा कलर यूज़ किया हुआ है। एंड इसके बाद एग्जॉस्ट, हम एग्जॉस्ट पहले लाउड लगाते थे, हमने लो साउंड के हिसाब से हमने हस्क्वर्ना का एग्जॉस्ट लगाया हुआ है इसमें। सो अब यहाँ पे इमरान भाई ने आपको एक नया नाम बताया, मतलब जो जिसका जिस बाइक का एग्जॉस्ट लगाया, और ये मुझे भी बहुत पसंद है क्योंकि ये पतले शेप में है और ये जल्दी मैं भी अपने एक्सपल्स में इंस्टॉल करने की कोशिश करूंगा। तो इमरान भाई, इस एग्जॉस्ट का आवाज़ सुनाने कैसा आ रहा है? तो यहाँ पे आपने बाइक का प्राइस जान लिया, बाइक में क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की गई है, कौन कौन सी कंपनी की है, और यहाँ पे देखते हैं हम छोटी मोटी बातें, जैसे कि ये LED हेडलाइट जो हर बाइक में आजकल आ जा रहा है, मतलब इसमें इतने सारे डिवाइस होते हैं ना, मतलब इसमें इंडिकेटर्स भी होता है, LED भी होता है, फॉग लैंप भी होता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप KTM का इंडिकेटर जो बहुत ही प्यारा है, और सबसे बेहतरीन जो आपको इसके बारे में बताया, ये लीवर मुझे बहुत पसंद आया, ऐसे लीवर जो है बाइक का आपका लुक बहुत ज़्यादा अपडेट कर देगा और ये बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप ये मडगार्ड का यहाँ पे ढांचा है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, ढांचा नहीं इसको फ्रेम बोल सकते, जो उसको सपोर्ट देता है और बहुत ही अच्छा प्यारा लुक लगता है। और यहाँ पे छोटा सा नंबर प्लेट जो एकदम प्रॉपर हाईलाइट करेगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जो भी है बहुत बेहतरीन है, दिख रहे हो मीटर को। अब यहाँ पे आप ये जो हैंडल बार देख रहे हो, मतलब हैंडल फुल कैफ्रेसर को टू पीस, मतलब टू पीस कैफ्रेसर हैंडल बोलते हैं इसको, जो यहाँ पे आया है, इसको आप ऐसे आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो बटन देख रहे हो सब, ये पल्सर का ही है, इसमें भी लाइट जलते हैं, अगर मैं चालू करूँगा तो देखो इसके अंदर लाइट जल रही है, जो पल्सर के ओरिजिनल है, किल स्विच बटन बाकी सब कुछ ओरिजिनल, ऑलमोस्ट आप जैसा आपकी बाइक है सारा सिस्टम वैसे ही है, लेकिन इस पर बैठने का पोजीशन और इसको राइड करने का तरीका बहुत ही लाजवाब है।
इमरान भाई तो यहाँ पे बाइक लेके चले गए, मतलब कस्टमर की बाइक है, कस्टमर को देने चले गए। बहुत टाइम के मतलब बहुत टाइम के बाद बहुत ही शानदार मोटिफिकेशन बाइक इमरान भाई लेके आए वहाँ पे, और मुझे भी बहुत मजा आया। ऐसा बाइक मतलब इस टाइप का वीडियो बना के बहुत टाइम पहले छूट गया था। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। यस।